गाइस मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई हमेशा अच्छी फोटो खींचता, अगर एक फोटो मेरी अच्छी नहीं खींचता है। अरे देखो मेरा भाई सब देखो कितना बड़ा है, नहीं छोटा ही लग रहा है। और जो मैं खींचता हूँ ना मैं ही खींचता हूँ, तेरी जो डालता है ठीक है। सारी वो मैं एडिट करता हूँ और उसके बाद में डालता हूँ। सो गाइस अभी हमें एक ब्रांड वीडियो शूट करना था, इसके लिए जाना भाई के घर पे और मुझे दीवाने से मिलना था। झूठ बोल रहा है इसको, मैं वीडियो बनवाने लेके जाता हूँ साथ में, बिल्कुल जाने के लिए रेडी नहीं है। बट हाँ ये भी सच बात है कि निवान्या से मिलके आते हैं तो चले। हाँ तो गाइस निवान्या से मिलते हैं, भाई के पास चलते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे ना हमेशा कि भाई के पास चलते, भाई के पास गाइस भाई पीछे रहता है यहीं पे, पांच मिनट भी नहीं लगते पैदल पैदल भी चले जाता है ये बार। तो अब क्या है ना हमारे वाला घर जो है ना बहुत बड़ा घर है, ऐसे इतने बड़े घर में हम ज्यादा लोग ना रह नहीं सकते, तो इसलिए हमें एक और घर खरीदना पड़ा तो जिसके अंदर भाई रहता है। और हम यहाँ से इसे छोड़ के इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं और हमारा मन लगा, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। आकाश हेलमेट कहाँ दे रहा भाई? ये तो रहा सर्विस रोड पे, तो क्या है सर्विस रोड पे तेरे चोट नहीं लगेगी? अरे तो चोट लगेगी, ये रहा साइड में देख लो गाइस। देखो सर्विस लेन है इसलिए हम लोग हेलमेट नहीं लगा रहे। और ये देखो गाइस जिससे आज तक ब्लड साफ नहीं हुई, ब्लॉग में कितने पिछले एक साल से बोल रहा हूँ ब्लड साफ करूंगा। ये देख तू चला सकता है जी बाइक। देख सिर्फ जहाँ पे भाई बैठता है ना सिर्फ वो वाली सीट साफ है और पीछे वाली इसके इससे पता चलता है किसी को नहीं बिठाता हूँ। लिफ्ट भी नहीं मांगता हूँ। ऐसी बात नहीं, लेकिन गाड़ी साफ करवा रखी है यार। पूछ कैसे? क्योंकि हम नीलम के वहाँ पे गए थे ना इसलिए। तो गाइस अभी आर्यन फिर से आज एक वीडियो शूट करने के लिए आया, पिछली बार तो ये सो गया था, वीडियो शूट करी नहीं थी इसने। और ये निया को देखो आकाश के साथ खेल रही है। और अभी हम तीनों ने ना एक साथ कैसे किया था, आ जा क्लैप करके इसको बोल रहे थे तीनों। ओ भाई इतनी गंदी तरीके से डर गई, तीन तीन चेहरे एक साथ कहाँ से आ गए? निवान्या कौन है, किसके साथ खेल रहे हो आप? अभी तो कल परसों मुलाकात हुई थी। कितना खुश होती है ये, मतलब इसको कंफर्टेबल होने के लिए ना एक मिनट चाहिए होता है। और नियो बता दो चाचो मैं अब बैठना सीख गया, पांच महीने का हो गया, कुछ ही दिन के अंदर भगने भी लग जाऊंगा। नेल्स मार रखे हैं इसके, रोज काटते हैं हम, मतलब हर तीन दिन के अंदर काटते हैं फिर भी मार लेती है खुद के। निवान्या आ जाओ पहले मेरे को देखेगी फिर चाचू को देखेगी। ये कहाँ फंस गया बे, हाथ करो ना, दोनों हाथ करो आगे, लेने के लिए किसके पास आएगी? आ जाओ निवान्या मिलके, ये सारे पागल बता रहे हैं मुझे सारे मिलके। अब मेरे पास आ जाओ बेटा, खड़ी हो गई। वैसे मैं निवान्या से मिलने आया था, अब तो सो गई। सो जाओ कैसे हो बू? क्या हुआ? सो जाओ, चलो सो जाओ। क्या नहीं खेलो नहीं रॉकस्टार। बाय। बू जाओ, मैं जाओ। अरे हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का मौसम देखो कितना सही हो रहा है पीछे का, और आज मैं जा रहा हूँ अपने डॉगीज से मिलने के लिए क्योंकि बड़ा टाइम हो गया उनसे मिले हुए, बड़ा टाइम नहीं मतलब दो दिन हो गए अभी तक। ये देखो गाइस आज इतने दिनों बाद दिल्ली में बारिश आई है और अब जाके मौसम ठीक हुआ है और बच्चे देखो कीचड़ से खेल रहे हैं वहाँ पे। मम्मी बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप रोटी बना रहे हो, ओ माय गॉड घी में चुपड़ रहे हो। और मम्मी सब्जी क्या बना रखी है आज आपने? दाल मम्मी ने यहाँ पे दाल बना रखी है। मम्मी बारिश हो रही है पकौड़े बना दो, पकौड़े शाम के टाइम बनाएंगे अभी बारिश शुरू हुई है। चलो ठीक है मैं अपने डॉगी से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है अपने डॉगी से मिलने।
बाय। और एक पप्पी तो दे दे। हमेशा माथे में पप्पी लेता है। छोटे छोटे बच्चे के माथे पप्पी लेते हैं। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर अपने डॉगी से मिलने। ओए बोरा यो तो भाई अभी मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ डॉगी से मिलने। और एक और रीजन उसके घर जाने का कि मैं ना चाय भी पी लेता हूँ। हम दोनों मतलब चाय से बहुत प्यार करते हैं इसलिए मेरे पैर में भी लगी पड़ी लगड़ा के चलता। गाइस बारिश हो रही है और इतना सही लग रहा है ना बाहर। ओहो इतना बढ़िया। और देखो पेड़ वगैरह काफी सोसाइटी में स्पेस नहीं होती मेरी वाली में काफी खेलने वगैरह कुछ भी कर सकते हो। झूले वगैरह भी है वहाँ पे बट अभी मेरे को फैमिली में जाना उस पर फोकस करना चाहिए। देखो दोनों लड़ रहे हैं। ओए अंदर 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 मारो अंदर ही आ रहा हूँ बहुत मारूंगा बाहर। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रुक जा कुत्ती रुक जा। अरे काट रही तू लड़ो जय और वीरू की लड़ाई हो रही है इस बच्चों को देखो कीचड़ से मतलब बुरी तरह लगे पड़े पूरे कीचड़ में हो रहे पूरे। ओए क्या हुआ बैठ जा आजा फॉलो मी 10 रुपए दूंगा तेरी दिक्कत है कोई मेरे आते ना इस पागल सी हो जाते थोड़ी है। नाखून मार दिए रुक जा। तो गाइस मेरी मम्मी जल्दी जल्दी काम कर रही है क्योंकि मेरी मम्मी अभी जा रही है गाँव। खाना खा लेना ठीक है जल्दी जाओ ट्रेन छूट जाएगी आपके। ठीक है ओके बेबी मिल जाएगी जाओ आप जाओ बाय। नहीं मैं नहीं जा रहा बाय मैं नहीं जा रहा बाय ठीक है। तो गाइस मम्मी अपना फोन भूल गई थी लो पापा गुस्सा कर रहे हैं नहीं ऐसे ठीक है। आज ना इतने दिनों बाद मैं अकेला चाय पीने जा रहा हूँ और बट तो बड़ा गंदा रहा हूँ। खैर मैं चाय की जो तलब है ना गाइस छूटती ही नहीं है मतलब मन ही नहीं करता कि छोड़ दूँ। छोड़ता हूँ फिर थोड़ा प्यार आ जाता है। अभी मम्मी भी गाँव चलेगी तो इसलिए सोचा पीने चले जाऊँ। शाम का व्यू देख लो कितना अच्छा है एकदम हरियाली। एक तो गाइस द्वारका की रोड इतनी बढ़िया है ना क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे पैदल चल के भी ऐसा लगता है जन्नत में चल रहे हो। तो गाइस फाइनली मेरी चाय मेरे हाथों में आ गई और अब मैं पीऊँगा।